हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आइए मैं आज आपको साड़ी में से पुरानी साड़ी में से लहंगा बनाना बताती हूँ। हम किस तरह से पुरानी साड़ी में से लहंगा बना सकते हैं। ये मैंने सबसे पहले साड़ी ली है। आप इसमें इनर लगाना चाहें तो आप इनर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इनर नहीं लगा रही हूँ। और अब मैं आपको बताती हूँ हम किस तरह से लहंगा बनाएंगे। सबसे पहले हमको साड़ी में से पल्लू अलग करना होता है। इस तरह से मैं आपको इस तरह से इसलिए बता रही हूँ ताकि ये कैमरे में साड़ी कवर हो जाए। ये मैंने निशान लगाया है और इधर भी मैं सबसे पहले पल्लू को अलग कर रही हूँ। इस तरह से मैंने इसमें निशान लगाया है और मैं अब इसकी कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से निशान लगाने के बाद मैं इसमें कटिंग कर रही हूँ ताकि ये सीधी कटिंग हो और कैमरे में कवर हो जाए, इसलिए मैं इस तरह से इसमें इससे कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से सबसे पहले हमने ये पल्लू अलग कर लिया है। ये हमारा पल्लू है जो हमने निकाल दिया है और ये हमारी बाकी बची हुई साड़ी है जिसमें से मैं आपको लहंगा बनाना बताऊंगी। सबसे पहले हमको इस तरह से ये साड़ी को इधर से पकड़ के और ऐसे करके इसे फोल्ड करते हैं हम सबसे पहले, और फिर हम इसे इस तरह से करके और इस तरह से। अब ये हमारा कपड़ा जो है साड़ी का वो डबल फोल्ड हो गया है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से किया है, ये देखिए। सबसे पहले मैं आपको, हमने कपड़ा फोल्ड करने के बाद सबसे पहले मैं आपको बेल्ट की कटिंग करना बताऊंगी। ये बेल्ट की कटिंग, हम जो पल्लू हमने कट किया था हम उसमें से बेल्ट ले रहे हैं। बेल्ट जो है वो हमको लेनी है, बेल्ट हम 5 इंच की लेंगे। ये इस तरह से हम निशान लगा देंगे और इस तरह से ये हमने इधर भी निशान लगाया है और बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं। ये हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है, ये हमारी बेल्ट कट चुकी है। बेल्ट आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लें, आपको जितनी बड़ी चाहिए। सब अब मैं आपको सिलाई करना बताऊंगी। सबसे पहले हमने ये जो हमारी बेल्ट है, हमने इन दोनों कोनों को हाफ़ हाफ इंच करके सिलाई लगा दी है इसमें। अब जो हमारा बाकी बचा हुआ कपड़ा है जिसमें से हम घेर बनाएंगे लहंगे का, वो ये कपड़ा है। मैं अब आपको इसकी स्टिचिंग बता रही हूँ। सबसे पहले ये जो हमारा कपड़ा है, ये हमने यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये यहाँ से यहाँ तक हमको फोल्ड करना है। यहाँ से हमको ये निशान लगा रही हूँ मैं यहाँ पे 4 इंच पे। और आप यहाँ पे चाहें तो आप अपनी सुविधा के लिए चैन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। ये मैंने यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा दिया है और मैं अब इस पे यहाँ से और यहाँ पे इस तरह से इसमें सिलाई लगाऊंगी। ये ध्यान रखें, ये 4 इंच तक ही सिलाई लगानी है हमको और बाकी कपड़े में नहीं लगानी है। ये देखिए यहाँ से। अब मैं बताऊंगी आपको, मैंने ये सिलाई लगा ली है, देखिए। अब इसके बाद मैं आपको बेल्ट में सिलाई, लहंगे का जो घेर है उसकी बेल्ट में सिलाई करना बताऊंगी। ये जो हमने बेल्ट है ये उल्टी रखी हुई है और ये इसकी सीधी साइड है। हम बेल्ट को सीधी साइड से रखेंगे।
सीधी साइड से रखने के बाद अब मैं बताऊंगी, ये लहंगे के घेर का कपड़ा है जिसे मैं जो हमने सिलाई लगाई है वहाँ से रखूंगी। ये कपड़े का उल्टा भाग है और ये सीधा है। सबसे पहले हमको ये बेल्ट हमारी सीधी है और ये जो हम कपड़ा इस पे रख रहे हैं ये हम उल्टी तरफ से रखेंगे, जो घेर का कपड़ा है और जो हमने 4 इंच पे सिलाई लगाई थी वहाँ से इस तरह से रख के इसमें हमको इस तरह से यहाँ पे बेल्ट में चुन्नट भरनी है इस तरह से। बेल्ट आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लें, आपको कितनी चाहिए कम या ज़्यादा, और इसी तरह से हम इसमें ये घूम भरेंगे इस तरह से घूम भरेंगे। ये जो हमने लहंगे का घेर है इस सारे को हम घूम भर के बेल्ट में सिलाई कर देंगे। ये हमने इसकी सिलाई कर दी है, देखिए इस तरह से हमने इस जो हमारे लहंगे का घेर था उसमें हमने बेल्ट की सिलाई कर दी है। ये इसकी उल्टी साइड है और जो बेल्ट का ऊपर का हिस्सा है इसे हम 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से जो हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर रखते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे सारी बेल्ट की। ये हमने सिलाई कर दी है, देखिए इस तरह से ये हमने घेर में बेल्ट लगा दी है और ये हमारा खुला हुआ हिस्सा है। अब जो इसके नीचे का हिस्सा है इसमें हमको सिलाई लगानी है और जो घेर का नीचे का हिस्सा है उसमें हम घेर के जो नीचे की किनारी है इसमें हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे सारे में। ये देखिए हमने इसे नीचे से फोल्ड कर दिया है। ये हमने यहाँ पे इस तरह से हमने इसमें सारे में सिलाई लगा दी है और ये हमारा ऊपर का हिस्सा है और ये हमारे नीचे का हिस्सा है, बॉटम पार्ट है। ये देखिए मैंने 4 इंच छोड़ने के बाद इस सारे कपड़े में सिलाई लगा दी है, इसके दोनों हिस्से सिलाई लगा दी है। ये देखिए नीचे से मैंने इसे इस तरह से फोल्ड कर दिया है और ये देखिए ये लहंगा बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरह से ये लहंगा बनके तैयार हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। ये हमने साड़ी में से बनाया है, आप भी किसी भी साड़ी में से बना सकते हैं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड, आपका दिन शुभ रहे।